टेक अ बो सैल्यूट हनी पाजी। यस दोस्तों, बात करते हैं अब कला स्टार के सॉन्ग रिएक्शन के बारे में। बात करूँगा, रिव्यू किया है मैंने। देखो यार, ये जो सॉन्ग है ना, इसका जो म्यूज़िक है, इसका लिरिक्स है, वो एकदम वो ओल्ड वाइब वापस आ गई। देसी कलाकार, ओके, वो एक जो एक स्टाइल है, एक स्वैग है, ही इज़ बैक विथ बैंग। एंड यस, ये मैं चाहता हूँ यार, दिस इज़ वॉट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हनी सिंह। यस, दो तीन साल क्या थोड़ा सा ऑफ फॉर्म चले गए तो भाई लोग भौंकने लगे। और वो बादशाह और रफ्तार जो रस्ते वाले जो ये है वो अपने आप को बहुत रियलिस्टिक रैपर समझते हैं। वह बाप बाप होता है भाई, ओके, रियलिटी देखो, फेक फेक होता है, रियल रियल होता है। तो अपने औकात से बाहर जाके कुछ फैंस अचानक कुछ ना कुछ बोलते थे। मैं यही कहूँगा भाई, एक बार सुन लो सॉन्ग, ओके, वो एकदम अपना वाइब वापस, वो एक वाइब्स रहते हैं ना, जो ओल्ड वाइब्स, हनी सिंह का एक स्वैग पहले से ही, जो एक अपना पूरा ये बना के रखा है, एक वर्ल्ड, हनी सिंह वर्ल्ड बोल सकते हैं, एक स्पेशल म्यूज़िक का किंगडम। तो वो बैक, ही इज़ बैक, जो म्यूज़िक है भाई, जो लिरिक्स है, हाँ यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा भी है उसमें, वो बात है, उसको भी मैं, मतलब उसकी भी तारीफ़ है, बट जो भी फुल क्रेडिट जाता है भाई, वो हनी सिंह जी को ही जाता है। हनी पा जी ने जो तहलका मचा के रखा है ना ये सॉन्ग, मुझे लगता है सिर्फ हनी 3.0 का नहीं बल्कि हाईएस्ट व्यूज वाला बन के रहेगा भाई, हनी सिंह का सबसे हाईएस्ट वाला, मुझे लगता है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर मुझे सच में लगता है कि ये जो एक सॉन्ग है ना, इसका सबसे बड़ी बात क्या की इन लोगों ने, पता है, 15 से 20 दिन का वेट करवाया लोगों को। वो जो वेट है ना, लोग पागल हो गए थे कि भाई कब आएगा कब आएगा, एक तरस गए थे। वो जो तड़प है लोगों की, वो दिखेगी इस सॉन्ग में। कंटिन्यू व्यूज़ रुकने नहीं वाले इस सॉन्ग के, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सॉन्ग के व्यूज़ अगला हनी 3.0 का सॉन्ग आने तक भी, इनफैक्ट उसके बाद भी चलते रहेंगे। ये एक, वो बोलते ना, एक सॉन्ग ऑफ द ईयर टाइप का, या फिर सॉन्ग ऑफ द डिकेड तो नहीं बोलूँगा मैं, वैसे हनी पा जी के बाकी भी बहुत से सॉन्ग्स हैं जो अच्छे हैं। तो हाँ, मतलब इट्स लाइक कि एक इमोशन बन के रह जाते हैं ना कुछ सॉन्ग्स, वैसा कि भाई लोग कंटिन्यू सुनते रहते, ये बनेगा वो। यार मज़ा आ गया यार, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं मेरा सॉन्ग सुनने के बाद वाला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टेक अप हो यार, मज़ा आ गया। जी म्यूज़िक कंपनी को भी थैंक यू, क्योंकि ये लोग, आप कभी भी ये मत भूलना हनी पाजी के फैंस, कि आपके बंदे को किसने सपोर्ट किया है, तो जी वालों ने किया है, ना कि टी सीरीज़ ने। टी सीरीज़ जब उसका हवा था तब सपोर्ट करता था, हाँ उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की थी, प्यार की पहली फर्स्ट किस देखे, और एक सॉन्ग लाया था उस टाइम पे, मतलब आठ नौ सालों में एक दो ही सॉन्ग, मे बी 3-4 सॉन्ग पकड़ के चलो, ये सपोर्ट था टी सीरीज़ का। एक वो सैयाजी आया था, सैयाजी के लिरिक्स भी उतने खास नहीं थे, पर भाई आप अपने लोगों को पहचानो। जी म्यूज़िक कंपनी ने किया है सपोर्ट ऑफ डेज में। हनी 3.0 के पहले एक दो तीन सॉन्ग्स उतने नहीं थे इफेक्टिव, पर फिर भी सपोर्ट किया, अल्बम हनी पाजी के साथ उनके ऑफ फॉर्म में लाया, एंड अभी जो फॉर्म वापस आ गया ना यार, दो तीन साल से अगर शेर छुप बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि उसने सब कुछ भूल गया, भूल गए थे विराट कोहली को भी, आ गया ना वापस, वैसा रहता है भाई, जो रियल रहता है ना वो रियल ही रहता है, रियल रियल रहते हैं। बाकी आप लोगों की चॉइस है, जो समझना समझो, लेकिन बादशाह मतलब बर्नौल की इसको जितनी घटिया ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, मतलब वो सूजन नहीं, मतलब वो रुकेगी ही नहीं यार। कौन सा बर्नौल ऐसा बना नहीं होगा जो इसका पिछवाड़ा जो है वो ये कर पाएगा। चलो टेक केयर गाइज़।